और आज राजधानी भोपाल में राइजिंग मध्य प्रदेश के महामंच पर दिग्गजों का महाजुटान होगा। सियासत से लेकर सिने सितारे तक इस मंच का हिस्सा होंगे। दिग्गजों से प्रदेश की बेहतरी और विकास के साथ साथ कई मसलों को लेकर चर्चा होनी है। जनता के सरोकार से जुड़े मुद्दे रखे जाएंगे चर्चा के विषय के तौर पर। प्रदेश और देश के विकास के रोडमैप पर भी बेबाकी से आज बातचीत होगी। प्रदेश 2023 प्रगति पथ पर किस तरह मध्य प्रदेश पकड़ रहा है रफ्तार। जन जन को मिल रहे हैं अधिकार और सपने हो रहे हैं साकार। संवाद का महामंच जहां सरकार, विपक्ष और विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गज होंगे एक साथ और जरूरी मुद्दों पर होगा मंथन। राइजिंग मध्य प्रदेश 2023। सही की शैलेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, सामाजिक सरोकार के तौर पर इसे देखा जाता है जब न्यूज 18 जनता के बीच पहुंचता है इस महामंच को लेकर, आज भी उसी तरह का महाजुटान? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि सामाजिक सरोकारों को लेकर न्यूज 18 हमेशा अपने दायित्वों को निभाता है और उसी कड़ी में जब ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे जनता से जुड़े हुए सवाल सीधे तौर पर पूछे जाते हैं और आज भी वो मंच जो है वो अब सजकर तैयार है। अब से कुछ देर बाद जो तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे, चाहे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान हों या पीसीसी चीफ कमलनाथ हों, इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार के तमाम जो मंत्री हैं, चाहे वह कृषि मंत्री हों, स्वास्थ्य मंत्री हों, चिकित्सा शिक्षा मंत्री हों, उद्योग मंत्री हैं, उच्च शिक्षा मंत्री हैं, तो तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो जब यहाँ पहुँचेंगे तो उसके बाद जो जनता से जुड़े हुए सवाल हैं वो उनसे जरूर पूछे जाएंगे कि आखिर किस तरीके से उनको पार्टी के पास जो मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने को लेकर क्या रोड मैप है। क्योंकि लगातार आपने देखा कि जब जब ये आयोजन हुआ है हम लोग लगातार जनता से जुड़े हुए सवालों को लगातार उठाते रहे और आज भी हम उन सवालों को लेकर जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे जरूर सवाल पूछेंगे। आपने देखा होगा हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन होता है और लोगों को बेसब्री से इस कार्यक्रम का इंतजार रहता है क्योंकि एक जो बड़ा मंच होता है जिस पर तमाम जो मध्य प्रदेश की तमाम जो दिग्गज हस्तियाँ हैं वो यहाँ पर मौजूद रहती है। न केवल मध्य प्रदेश की दिग्गज हस्तियाँ बल्कि मध्य प्रदेश के कोटे से जो केंद्र में मंत्री हैं, चाहे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात हो या फिर प्रहलाद पटेल की बात हो, इन सभी लोग जो है यहाँ पर पहुँचते हैं और उनसे ये जाना जाता है कि केंद्र सरकार की डबल इंजन की सरकार में मध्य प्रदेश का कितना तेजी से विकास कर रहा है और आने वाले समय को लेकर क्या रोडमैप है। चूंकि मध्य प्रदेश में इस साल के आखिरी में चुनाव भी हो तो ऐसे में ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देखिए दोनों ही राजनीतिक दल जब जनता के बीच जा रहे हैं तो उनके भलाई के तमाम दावे और वादे कर रहे हैं लेकिन असल में उनके पास क्या रोडमैप है मध्य प्रदेश के विकास को लेकर, जो जनता है उसके विकास को लेकर, तो वो तमाम जो मुद्दे हैं उस सब को जो है इस मंच पर इसके माध्यम से पूछा जाएगा और उनसे सवाल किया जाएगा कि आखिर मध्य प्रदेश के विकास को लेकर उनके पास क्या रोडमैप है। जी चलिए इंतजार रहेगा शैलेंद्र इस कार्यक्रम के विधिवत आगाज का। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए बुलेटिन के सिलसिले में बात करेंगे रायपुर से अगली बड़ी खबर की, जहां एक बार फिर से चाकूबाजी की घटना कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरें राजधानी के रिहायशी इलाके से इस बार सामने आती हैं, कालीबाड़ी नेहरू नगर का ये इलाका, जहां आपसी विवाद के चलते युवक पर चाकू से जानलेवा हमला हुआ। जख्मी युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने घटना के बाद चाकू मारने शख्स को गिरफ्तार भी किया। आपको बताएं कि जख्मी युवक का आरोपी के साथ किसी बात को लेकर पहले से विवाद था। विवाद इतना बढ़ा घटना वाले दिन इस बात को लेकर दोनों के बीच हाथापाई शुरू हुई और उसके बाद आरोपी ने युवक को सरेआम चाकू मार दिया। ये तस्वीरें आप देखिए, राजधानी के कई सारे इलाकों से इस तरह की तस्वीरें अक्सर सामने आती रहती हैं। आगे बढ़ते हैं अंबिकापुर से अगली बड़ी खबर, जहां बस स्टैंड में जिम करने आए युवक की पिटाई दूसरे गुट के लोगों ने कर दी। बताया जा रहा है कि युवकों के दो गुटों के बीच किसी बात को लेकर लंबे वक्त से विवाद चल रहा था। इसके बाद घटना वाले दिन एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के एक युवक को पकड़ लिया, उसकी मारपीट की है और उसके बाद ये विवाद बढ़ता चला गया। तस्वीरें आप देखिए, जिम करने के लिए पहुंचे थे लेकिन दो गुट जब आमने सामने हुए जिनके बीच पहले से ही लड़ाई चलती आ रही थी, उसके बाद की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मारपीट होती रही, अब चूंकि मामला संज्ञान में आया है तो हो सकता है कि पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई की जाए। और बड़ी बात यह है कि रायपुर और साथ ही साथ अंबिकापुर, ये दोनों ही जगहों पर आपराधिक घटना हुई है। ये क्रम ऐसा नहीं है कि आज हो या कल हो,
या परसों की घटनाओं बल्कि लंबे समय से लगातार छत्तीसगढ़ में आपराधिक घटनाओं का क्रम बढ़ता जा रहा है। इस श्रृंखला में दो अन्य अपराध और जुड़ते हुए राजधानी रायपुर की अगर आप बात करते हैं तो चाकूबाजी आप देखिए कि बहुत ज्यादा कॉमन बात हो गई है रायपुर में। अंबिकापुर का भी ये मामला, हालांकि दो पक्षों के बीच विवाद हुआ लेकिन इतने बेखौफ हैं लोग, कानून का बिल्कुल डर नहीं है कि खुलेआम मारपीट शुरू करते हैं, विवाद की स्थिति बनती है। दोनों ही आपराधिक घटना है जिसके जरिए सबक लेने की बहुत ज्यादा कोशिश, क्योंकि राजधानी की जब आप बात करते हैं तो प्रमुख शहर है छत्तीसगढ़ का, इस तरह के मामले यहाँ से नहीं सामने आने चाहिए लेकिन इसके बावजूद चाकूबाजी यहाँ बढ़ती है। और इस बीच एक और बड़ी खबर इंदौर से है। फाइनेंसर्स की धमकी से परेशान होकर एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट में फाइनेंसर्स पर परेशान करने के आरोप लगाए हैं। मकान खरीदने के लिए मृतक ने लोन लिया था। चंदन नगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस लोन को लेकर ही ये बताया जा रहा है कि दबाव बनाया जा रहा था। सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है मौके से। इस व्यक्ति का नाम लिखा गया है, उससे जुड़ी पूछताछ भी अब पुलिस करने वाली है। फाइनेंसर्स की धमकी से परेशान होकर अभी तक आत्महत्या करना स्पष्ट हो पाया है। सुसाइड नोट में इसी बात का जिक्र है कि पैसे के लिए दबाव बना रहे थे, लोन लिया था मृतक ने घर खरीदने के लिए और उसके बाद लोन शायद ना चुकाया गया हो और उसी के चलते दबाव बनाया हो। सही कि मिथिलेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, विस्तार से जानकारी मामले पर। देखिए, चंदनगर थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। जिन्होंने सुसाइड किया उनका नाम मुकेश है और उनके पास से छह अलग अलग पन्नों का सुसाइड नोट मिला है जिसके आधार पर चंदनगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। उसमें लिखा हुआ है कि मकान के लिए उन्होंने कुछ जो फाइनेंस कंपनी है उनसे पैसा लिया था। काफी पैसा देने के बाद भी अमाउंट जितना उन्होंने भरा था वो अमाउंट उतना ही उनसे मांगा जा रहा था। यानी कई महीनों तक उन्होंने लगातार पैसे दिए, ब्याज के पैसे दिए, उसके बावजूद भी उनसे उतना ही पैसा मांगा जा रहा था जितना उन्होंने पैसे फाइनेंस कराते समय लिया था। इस बात का उन्होंने जिक्र किया है और लगातार धमकी दी जा रही थी, मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था और उसी दबाव के चलते मजबूरी में जहर खा के आत्महत्या कर रहा हूं। और फिलहाल उसमें करीब 3 से 4 अलग अलग लोगों का नाम भी उन्होंने लिखा है। अब उस पूरे मामले की सुसाइड नोट पर जिनका नाम है, जो भी उन्होंने पूरी कहानी उसमें लिखी हुई है कि आखिर क्या रहा, पूरा क्या रहा मामला, की कब उन्होंने फाइनेंस लिया, फाइनेंस पर पैसा कितना दिया, तो हर चीज को लेकर पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। उनकी दो बेटियां हैं, दोनों बेटियों का कहना है कि मकान के लिए लोन लिया हुआ था। जब वो घर पहुंची हैं तो वो 2-3 से मुलाकात नहीं हुई थी। जब घर पहुंचे तो मृत हालत में उनके पिता मिले और उनकी जिस कमरे में उनकी लाश मिली है वहां पर ये 6 अलग अलग पन्नों का सुसाइड नोट भी मिला है जिसके आधार पर पुलिस अब बारीकी से जांच कर रही है। मिथिलेश, रसूखदारों पर, फाइनेंसर्स पर कई बार कार्रवाई की धमकी प्रशासनिक स्तर पर हो चुकी है और साथ ही साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मंच से कई बार इस बात का जिक्र करते हैं कि अगर इस तरह से फाइनेंस करवाया जाता है तो आप दबाव नहीं बना सकते, अन्यथा आपराधिक घटना ऐसी मानी जाती है। मिथिलेश, इसके बावजूद मध्य प्रदेश में इस तरह के मामले सामने आना बताता है कि खौफ नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ दिन पहले ही भोपाल से एक परिवार की तस्वीर सामने आई थी जहां पर एक पूरे परिवार ने सामूहिक आत्महत्या कर लिया था। यानी इसी तरीके से फाइनेंस कंपनियों से वो भी परेशान थे और ऑनलाइन ऐप के मामले सबसे ज्यादा, अगर चाहे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, तमाम अलग अलग देश के किसी भी शहरों से देखा जाए इस वक्त सबसे ज्यादा इस प्रकार के मामले आ रहे हैं जो ऑनलाइन ऐप है, छोटी मोटी इस तरह के मामलों पर नकेल कसी जाए। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बलौदाबाजार से अगली बड़ी खबर, जहां भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। जिले से होकर बहने वाली नदी नाले लगातार उफान पर, नाला पार करते वक्त किताबों से भरा एक ट्रक पानी में बह गया। तस्वीरें आप देखिए, हादसा बलौदाबाजार जिले के पलाली क्षेत्र में हुआ है, कोबाडी लटेरा नाला, जहां पार करते समय ये ट्रक देखिए किस तरह से जलमग्न हो गया। ट्रक में स्कूली छात्रों के लिए किताबें भरकर राजनांदगांव ले जाई जा रही थी और इसी हादसे में लाखों रुपए की किताबें पानी में बह गई। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी इंसान को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ, जनहानि नहीं हुई, लेकिन बड़ी बात यह कि किताबों का नुकसान बहुत भारी पड़ सकता है। लाखों की किताबें बह गई हैं, राजनांदगांव ले जाई जा रही थी, लेकिन हालात ऐसे हैं कि अभी तक नियंत्रण की कोई स्थिति यहां पर नजर नहीं आती है। बलौदाबाजार की तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा ट्रक पानी में समा जाता है, इतनी भीषण बारिश की स्थिति यहाँ पर।